और बड़ी खबर है बिहार से। बिहार के नवादा में तेलंगाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर 4 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। 1,22,00,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। ठगों की 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। तेलंगाना के साइबराबाद थाना में लग्जरी गाड़ी की डीलरशिप देने के नाम पर ठगी का केस दर्ज किया गया था। पुलिस को नवादा के भवानी बीघा गाँव के ठगों के बारे में पता चला, इसके बाद संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी कार्रवाई हुई है। तेलंगाना पुलिस बिहार के नवादा पहुंची और वहां से कैश की जब्ती की गई है। साथ ही 1,22,00,000 रुपए कैश बरामद किए गए ठगों के पास से। साइबर अपराधी बताए जाते हैं ये लोग, जो कि बिहार के नवादा में रह करके साइबर क्राइम कर रहे थे। छापेमारी की गई, 4 साइबर अपराधियों को नवादा से पकड़ा गया है। कैश की बरामदगी हुई है, 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं साइबर फ्रॉड को लेकर, जिस तरीके से ये बड़ी खबर आ रही है, वहीं पुलिस ने एक्शन लिया है। नवादा में पुलिस के एक्शन की ये तस्वीरें, जहां बड़ी मात्रा में कैश रिकवर किया जा चुका है। और तेलंगाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई के तहत खबर आ रही है, जहां लगातार कई दिनों से छापेमारी हो रही थी। और अभी फिलहाल खबर यह है कि इस छापेमारी में 4 साइबर अपराधियों की को पकड़ा जा चुका है। हालांकि अभी इनके तार किस किस से जुड़े हुए हैं, कहां से इतना कैश आया, इसको लेकर तो आगे जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल खबर ये मिल पा रही है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ 1,22,00,000 रुपए कैश भी बरामद किया गया है और कई लग्जरी गाड़ियां भी पकड़ी गई हैं।